सारे नूं जय मसीकी। दोस्तों पंजाब विच मसीह लोकां दा विरोध दिनों दिन वधदा जा रहा है। दोस्तों जिस तरह पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है कि धन है वह लोग जिहड़े मसीह करके सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। सो दोस्तों घबराउण जां डरन दी लोड़ नहीं है क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा अपने लोकां दे अंग संग रहिंदा है। दोस्तों अज असी तुहानूं इस वीडियो विच दसांगे कि परमेश्वर अपने लोकां दे नाल किस तरह रहिंदा है। दोस्तों अपोस्टल अंकन रूला जी दी एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है जिस विच उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल समझाया है कि परमेश्वर किस तरह अपने लोकां दे नाल नाल रहिंदा अते उन्हां दी मदद करदा है। सो दोस्तों वीडियो दी इस क्लिप नूं देखण तों पहला जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सब तों पहला सबसक्राइब जरूर करो ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਇਸਰਾਇਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਸੇ ਘੇਰਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਰ ਕਭੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਰਬੋਂ ਕਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਏਕ ਵੀ ਬਾਰ ਉਸ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। आज अगर अमेरिका में 90% से भी ज्यादा मीडिया किसी का है तो वो यहूदी लोगों का है, वही लोग जो यहोवा के चुने हुए थे। आज अगर दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो यहूदी लोग हैं, वही लोग जो यीशु मसीह ने यहोवा ने अपनी महिमा के लिए चुने थे। आज अगर दुनिया में सबसे अगर हम जात पात की बात करें, अगर सबसे ऊंची किसी को मानते हैं तो वो यहूदियों को मानते हैं। और बाइबल कहती है कि यहूदियों को इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम ऊपर थे या तुम ऊंचे थे, मैं तुमको इसलिए मैंने चुना क्योंकि तुम बहुत गिनती में थोड़े थे और तुम बहुत गिनती में कम थे और तुम बहुत निर्बल थे। मैंने निर्बल जाति को चुन लिया और मैंने छोटी जाति को चुन लिया और थोड़ी गिनती वाली जाति को चुन लिया कि आने वाले समय में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो भी उनके सामने दंडवत करेंगे। आज वो वचन पूरा हो रहा है। आज सारी दुनिया इज़राइल से टेक्नोलॉजी लेती है, आज सारी दुनिया इज़राइल को टेक्नोलॉजी का गुरु मानती है, आज सारी दुनिया इज़राइल के सामने झुकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। आप मानते इस बात को कि नहीं?